तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से एफएल स्टूडियो मोबाइल में किसी भी गाने का मास्टरिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग अच्छे तरीके से मास्टरिंग करके आप अपने गाने का क्वालिटी अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार से मैंने गाने को मिक्सिंग कर लिया है, ठीक है। और जिस प्रकार से मैंने मिक्सिंग किया है और इफेक्ट्स लगाए हैं और वोकल लगाए हैं, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं और इसी गाने पर मैंने बनाया है, ठीक है। तो उस वीडियो का यानी उन तीनों वीडियो का प्लेलिस्ट जो मैंने बनाया है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और सभी वीडियो को जाकर आप देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कहाँ कहाँ मैंने क्या क्या इसमें यूज किया है और कैसे मैंने इसको वोकल कैसे लगाया, इफेक्ट्स कैसे लगाया और पैटर्न को मैंने कैसे बनाया है, ये आपको सब कुछ देख लेना होगा। तो चलिए आगे देखेंगे। सबसे पहले आपको मास्टरिंग करने के लिए दो तीन चीज़ें का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली, गानी, जो गाने आपको होते हैं उस गाने पर मास्टरिंग। और वो मास्टरिंग किसे बोला जाता है? मास्टरिंग उसे बोला जाता है जिसे इस पर क्लिक करके फिल्टर, यहाँ पर जो हम लोग गाने का बेस लाइन जो फिल्टर करते हैं उस पर आपको ध्यान रखना होगा। अब वो कैसे रखना होगा, वो आपको ध्यान रखना होगा कि आप किस प्रकार से अच्छा अपने जो बेस गाने का जो बेस होता है उसको आप अच्छी तरीके से हटाए हैं या नहीं हटाए, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मैं बेस लाइन का लो कट पर क्लिक करके लो कट करता हूँ, उसके बाद से इफेक्ट्स देख लीजिए ग्राफिक की क्यों, कुछ इस प्रकार से मैं किसको कट करता हूँ। ये नहीं कि मैं आप लोग मतलब इसको देख लिए तो इसी प्रकार से आपको इफेक्ट को मतलब कंट्रोल करना है, ऐसा कोई नहीं। हर गाने का अलग अलग तरीका होता है, तो आप गाने के हिसाब से ये सब कट करें। केवल मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे कट किया है, ठीक है, ये बात हो गई। दूसरी बात आती है मास्टरिंग, ठीक है। और कौन सी मास्टरिंग? मास्टरिंग में बहुत प्रकार के मास्टरिंग होते हैं। किक की मास्टरिंग देखिए, किक पर मैंने जो भी इसमें मैंने पैटर्न बनाया उस पर मैंने क्लिक किया, तो देखिए यहाँ पर मैंने दो किक यूज किए हैं, पहला और ये, सही नहीं, दोनों एक ही किक है, केवल मैं इसका साउंड कम किया हूँ, क्लोन करके इसका साउंड मैंने कम कर दिया है। और इसमें देखिए कुछ इस प्रकार से हीट हर्ट्स है, वाटर ड्रॉप है, और यहाँ पर मैंने यूज किया है कुछ इस प्रकार से, ये मैं इसके अंदर यूज किया हूँ। और इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर इसके अंदर मैंने कोई भी अभी मास्टरिंग नहीं किया है, ठीक है। फिर भी मेरा गाना कितना क्वालिटी अच्छा बजेगा मैं आपको सुनाऊँगा। थोड़ा साउंड इसका मैं बहुत ही कम करके रखा हूँ क्योंकि कॉपीराइट की वजह से, ठीक है, पहले सुन लेते हैं। तो देख सकते हैं कितना अच्छा क्वालिटी बज रहा है। अब थोड़ा इस पर हम लोग करते हैं मास्टरिंग, तो थोड़ा मास्टरिंग करके भी देख लेते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर मास्टर पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करना है जो इसका मिक्सर ट्रैक है, जहाँ पर सभी मिक्सर आप अप्लाई कर सकते हैं, उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर मास्टरिंग के लिए हम क्या क्या यूज करेंगे देखते हैं। एंड मल्टी यहाँ पर लोग इसको यूज करते हैं, लिमिटर, और इसको देखते हैं कि अप्लाई करने पर क्या इफेक्ट पड़ता है। बहरा डोला। इस पर अगर हम इस मास्टर को कोई भी तरीके से अप्लाई करते हैं तो हमें ये नुकसान होता है कि इसका जो बेस होता है वो कम हो जाता है का, और जो साउंड भी है वो भी कम हो जाता है। तो मैं इसे यूज नहीं करता, पहली बात। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे क्या यूज करेंगे इसमें, ग्राफिक क्यू नहीं, ग्राफिक क्यू नहीं, मल प्राइमरी को, ठीक है। अब इसको हम लगा कर देखेंगे। अब इस पर क्लिक करेंगे डिफॉल्ट पे, और यहाँ पर हम हाई पर या बेस पर आप कुछ भी यहाँ पर, इस पर मैं पहले चेक कर लेता हूँ इस पे।
बहरा टोला इतना सही। देखिए आपका गाने का जो क्वालिटी है इसमें, देखिए इसमें थोड़ा इस पर देखिए, यहाँ थोड़ा इसको इस प्रकार से आप देख लीजिए, यहाँ से आपको केवल एडजस्ट करना होगा क्योंकि इसमें थोड़ा झनकार आ जाता है। ठीक है, तो आप इसने एक तरीका हो गया, दूसरा तरीका नीचे वाला। चलिए इसको देखते हैं, ये तो माइनस हो गया तो इससे हमको कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पर हमको लो एंड हाई बेस पर क्लिक करना है और इस पर देखना है। तो यहाँ पर देखिए फटने लगा, तो फटने लगना है तो इसके पहले क्या करेंगे, यहाँ पर बेस यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर गेन को कम करेंगे। गेन को आपको मैक्सिमम में सोचूंगा 2 1 2 देखेंगे, पहले बजा कर चेक कर लेंगे उसके बाद से एडजस्ट करेंगे। मैंने 1 रखा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका झनकार, तो इसको मैं कम से कम इतना ही रखूँगा। ठीक है, अब इसके एडिट पर जाते हैं, इसकी को पहले हटा कर दिया, इसकी को मैं बंद करके देखता हूँ क्या इसका रीजन आता है। ठीक है, आप सुनेंगे, मिक्सर ट्रिक खोल लेते हैं इसका। दोस्तों देख सकते हैं क्या क्वालिटी दिख रही है, तो इसको मैं ऑन करूँगा फिर भी अच्छा बज रहा है। तो यही होता है मास्टरिंग, आपको देख लेना है। और ये जो मास्टर पर जो भी चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं वो सभी पर अप्लाई हो जाता है। ठीक है, इतने इसके नीचे जितने गाने इफेक्ट वोकल इफेक्ट्स की कोक जो भी आप लोग यूज करते हैं इस सभी पर अप्लाई होगा, क्योंकि मास्टर का मतलब होता है मेन, सबको कंट्रोल करने वाला। तो इस पर आप जो भी अप्लाई करेंगे वो सभी पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं बहरा टोला। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से ये यहाँ पर हमने इसको अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सेट कर लेना है। देखिए कैसे मैंने यहाँ पर सेट किया, यहाँ पर सेट किया, उसके बाद से मैंने कुछ भी इसमें छेड़छाड़ नहीं किया। तो दोस्तों मुझे यकीन है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए कि इस प्रकार से आप लोग मतलब कोई भी आपका दोस्त मोबाइल से मिक्सिंग करना सीख सके, इंटरटेनमेंट कर सके। तब के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में बनाया है। ठीक है, 3-4 पार्ट इसका बन चुका है, तो उस वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो इस सभी वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तब के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।